खुश आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है माहौल क्या होता है किस चीज़ का बना होता है इसको क्या क्या चीज़ मुतासर करती है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें इसके जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये जो लफ्स एनवायरनमेंट कहाँ से आया है तो एनवारेंट लफ्स एनवेरॉन से निकला है जो एक फ्रेंच टर्म है जिसके माने हैं सराउंडिंग्स इर्द गिर्द तो हर कोई वो चीज़ जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द पाई जाती है चाहे वो कोई मटेरियल हो चाहे फोर्स हो चाहे एनर्जी हो उसे उस ऑर्गेनिज्म का या उस जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म का माहौल बताया जाता है तो एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करता है ताकि हम एग्जिस्ट करें हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो फॉर एग्जांपल हमारे घर का एनवायरनमेंट विंटर्स में हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं गर्म रखते हैं अपने आप को कपड़े लगाते हैं गर्म कपड़े लगाते हैं वैसे ही हमारे पास प्लांट्स हैं उनका माहौल डिफरेंट होता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग टम्परेचर्स पे ग्रो करते हैं न लाइट आवर्स डिफरेंट होते हैं। तो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टाइप ऑफ एन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होता है तो हम जब हम एनवायरमेंट डिस्कस करते हैं तो इसके बहुत सारे डोमेन्स हैं किस लेवल पर हम इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे तो जो बेसिक लेवल है फ्राम द प्राइमरी लेवल जो हमारी बेसिक नॉलेज बढ़ाता है इन्वायरमेंट के बारे में दैट इज़ एनवायरमेंटल स्टडी तो एनवायरमेंटल साइंस एक साइंटिफिक स्टडी है अगर हम एनवायरनमेंट साइंस यहाँ पे बताते हैं कि एनवायरनमेंट साइंस इज़ ए बेसिक स्टडी या साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट तो ये हमारी रिलेशंस जो है एनवायरमेंट के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं विद द एनवायरमेंट फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं फूड लेते हैं इंटरेक्ट uh, करते हैं इन्वामेंट uh, को ख़राब करते हैं या इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं तो हर कोई वो फोर्स जो ह्यूमंस इन्फ्लुएंस करते हैं अपने तौर तो तरीके से या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है चेंज करते हैं अपने हिसाब से उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं अब hmm. हमारे पास डिफरेंट डिफिनीशन्स हैं एनवायरनमेंट की डिफिनीशन हर एक इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से बना सकता है तो इन सिंपल टर्म्स ये एनवायरनमेंट होता है सम ऑफ टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमें इन्फ्लुएंस करता है तो इसको समझने के लिए हमें डिफरेंट लेवल्स से गुजरना पड़ेगा तो जो बेसिक लेवल है दैट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एनवायरमेंटल एजुकेशन तो ये प्रोसेस है एजुकेटिंग अबाउट द एनवायरमेंट लोगों को एजुकेट करना फॉर द प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट लाइक एनवामेंट की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एयर वाटर Uh, हमारे पास फॉरेस्ट वग़ैरह एनवायरमेंट क्या होता है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है ये सब हम एनवायरमेंट स्टडी और एजुकेशन में डिस्कस करते हैं तो इससे हायर लेवल जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है कि एनवायरमेंट साइंस क्या होता है तो बेसिकली हमारे माहौल में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ़ द इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमंस विद वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स तो उनकी रिलेशनशिप हमें स्टडी करना है कि ह्यूमंस कैसे इन्फ्लुएंस करते फॉर एग्जांपल हम वाटर पोल्यूशन करते हैं कितना करते हैं कहाँ से उसका सोर्स है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें हम एनवायरनमेंट साइंस में डिस्कस करते हैं इसमें लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्वालिटी एनालिसिस होता है तो उससे ऊपर वाला दर्जा जो है दैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अब हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया उसके लिए सोलूशनस बनाना तो हम माहौल को कैसे उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घरों से जो पानी निकलता है गंदा पानी या इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है अब हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से इतना पानी गंदा निकलता है ये होना चाहिए वो होना चाहिए बट इसको ठीक कैसे करें तो हमारे पास डिफरेंट इक्ुपमेंट्स होते हैं जो हमें इन्वामेंटल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जिसमें हम जो है सीवेज वाटर जो घरों से डोमेस्टिक वेस्ट वाटर निकलता है उसको ट्रीट करते हैं देन उसको फिल्टर करते हैं देन रिसीविंग वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स लेक्स में डालते हैं या डायरेक्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज तो ये डिफरेंट लेवल्स है एनवायरमेंट को समझने के लिए अब ये कोर्स पढ़ के फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरमेंटल स्टडी एंड एजुकेशन अगर हम पढ़ेंगे इसका क्या स्कोप है तो फर्स्ट इज़ टू गेट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द टोटल एनवायरनमेंट एंड इट इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो पहले हम इस कोर्स में समझते हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है किस चीज़ का बना होता है इसको कौन सी चीज़ मुतासर करती हैं और इसमें प्रॉब्लम्स क्या है और सेकंड लेवल पे हम जब आगे जाते हैं अगर हम ये सब चीज़ें समझते हैं तो हम मोटिवेट करते हैं या दूसरों को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट मोमेंट्स चलाते हैं प्रोग्राम चलाते हैं ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो जाए या को हम इम्प्रूव कर सकें उसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्किल्स जो है आ, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड लेटर ऑन वी गो फॉर टू नो द नेसेसिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है फॉरेस्ट है सॉयल है एनर्जी है इनकी क्या नीड है हम इसको क्यों कंजर्व करना चाहते हैं जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो रोल है क्या है कि हमें उतनी ही नेचुरल रिसोर्स यूज़ करना चाहिए जितनी हमारी नीड है ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेश के लिए भी कुछ छोड़ दें तो दिस इज़ अ स्कोप ऑफ एनवायरमेंट स्टडी उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल इकनॉमिक इकोलॉजिकल एंड एस्थेटिक फैक्टर्स जो एनवायरमेंट के हैं इनको एवेल करना कि सोशली हम एनवायरमेंट को कैसे इम्प्रूव uh, करेंगे इकनॉमिकली कैसे इम्प्रूव करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैसे इकनॉमिक्स एंड इकोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट्स डिराइव करेंगे फ्रॉम द एनवायरनमेंट विदाउट टेम्परिंग और विदाउट लीडिंग द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज तो फर्स्ट जो हमारी सिग्निफिकेंस है दैट इज लोग समझते हैं कि हमें एनवायरनमेंट यूज़ करना चाहिए नो डाउट वी हैव टू गो फॉर द डेवलपमेंट हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट एनवायरमेंट को साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे फैक्ट्री लगानी है जिसकी वजह से हमें कुछ डिफॉर्स्ट्रेसन करनी पड़ती है बट एक रूल है जो सोशल एनवायरमेंट ये कारपोरेट इन्वामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल है जिसके अंडर जो फैक्ट्री के जो ओवनर्स हैं उनको उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द रिफॉरस्ट्रेशन करनी पड़ती है तो वो डेवलपमेंट भी करेंगे एंड एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे इसके अलावा ये एनवायरनमेंट स्टडी सब्जेक्ट पढ़ के आप में समझ आती है कि हमारे पास एनवायरनमेंट में डिफरेंट हज़ार्स क्या क्या है रिलेटेड एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल फ्लड्स बिकॉज ऑफ हेवी प्रेसिपिटेशन फ्लड्स आते हैं आ, बारिश होती है स्नोफॉल ज़्यादा होती है स्नोफॉल से वैसे उतनी फ्रिकेंटली हमारे पास फ्लड्स नहीं आते बट अगर हमारे पास कंसिस्टेंट जो है रेनफॉल कंटिन्यूस हो जाए तो उसकी वजह से फ्लड्स तो ये भी एक एनवायरमेंटल हज़ार है उसके अलावा ड्राउट राउट जो है मीन इज द स्केरसिटी ऑफ द वाटर और उसके बाद हमारे पास साइक्लोन्स हैं लैंड स्लाइड्स है, है फॉरेस्ट फायर है डिफरेंट तो हमारे पास एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स है जिसके बारे में लोगों को नॉलेज होती है उससे कैसे बचेंगे उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे उसके लिए कैसे हम तैयारी करेंगे और उसके अलावा रो लोगों का रोल क्या है अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट देखो तो हम जैसे इन्वामेंट की बात करते हम सारा जो है ओनस uh, नहीं डालेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज पर कि आप ही को प्रोटेक्ट करना है बट गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुली एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकती है जब लोग या सिविल सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे मींस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ आई मीन राइट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट उसके बाद हमारे पास जब ये सारी समझ आती हैं दैन वी हैव वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द एन्वायरमेंट जैसे इंडिया में है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एटी सिक्स वाटर पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर तो आए दिन लॉज में अमेंडमेंट होती रहती है नए किस्म के हमारे पास चैलेंजेस होते हैं इन्वामेंट चैलेंजेस उसके रिगार्डिंग एनवायरमेंटल लॉज बनते रहते हैं तो अगर हमें लगता है एज एन इंडिविजुअल की एज ए सोसाइटी की कि किसी लॉ में चेंजेस जरूरी है या किसी लॉज में अगर चेंजेस हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है तो हम उसमें डिमांड कर सकते हैं कि आप ये चेंज करेंगे या ना करेंगे तो उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होती है विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस माहौल में हम रहते हैं अगर हम साफ़ एंड प्रेस्ट्रीन एनवायरमेंट में रहेंगे साफ पानी पियेंगे साफ हवा पियेंगे देन डेफिनेटली हमारी लाइफ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी जो हेल्थ है वैसे ही ठीक रहेगी देन इट ऑल बिल्ड्स कंसर्न एंड रेस्पेक्ट अबाउट द एनवायरमेंट जी जितना भी हम एनवायरनमेंट को देंगे वो उतना ही हमें वापस उसी तरीके में देगा अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स है तो फर्स्ट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कुदरती हमारे पास होता है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक अबाओटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नेचुरली नेचुरल प्रोसेस से डेवलप हो गए थ्रू द एवोल्यूशन और इसमें कोई ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट इन्वायरमेंट इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है उसको चलाने के लिए उसके बरक्स अगर हम देखेंगे मैन मेड एन्वायारमेंट या एंथ्रोपोजेनिक जो हमारा अनवायरमेंट है इसमें इनवायरमेंट uh, को चलाने के लिए ह्यूमंस की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक्वेरियम की बात करते हैं एक फिश टैंक की बात करते हैं या एक एग्रीकल्चर फील्ड की बात करते हैं उसमें जो हम इनपुट्स देते हैं दैट इज रिक्वायर्ड थ्रू द ह्यूमंस तो इसको चलाने के लिए ह्यूमन का सपोर्ट जरूरी है विदाउट द ह्यूमन सपोर्ट इट कैन नॉट सस्टेन तो अब हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है दैट आर एबायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स एंड सेकेंड कम्पोनेंट इज बायोटिक लिविंग कम्पोनेंट्स एंड थर्ड वन इज़ एनर्जी कम्पोनेंट्स तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो so, हमारे पास एबाटिक कम्पोनेंट्स या नॉन लिंग कम्पोनेंट्स है ये है हमारे पास एयर वाटर सॉयल एंड मिनरल्स तो हमारे पास ये कंपोनेंट्स बॉडी में आ जाते हैं चाहे हम ह्यूमंस हो प्लांट्स हो एनिमल्स हो हम इनके साथ डायरेक्टली इंट्रैक्ट करते हैं इनडायरेक्टली इंट्रैक्ट करते हैं हमारी मेटाबॉलिज्म में हमें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये चलते हैं एंड देन लेटर ऑन इट गो बैक टू द एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम्पल Uh, अगर हम मिनरल्स की बात करें हमारे बॉडी में मिनरल्स कहाँ से आते हैं प्लांट्स प्लान्टज्ज़ॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द दॉयल अपने बायोमास में वो मिनरल्स एबजॉर्व करते हैं देन हम प्लांट्स से डिफरेंट फॉर्म में उसको कंज्यूम करते हैं लीव्स करेंगे कंज्यूम फ्रूट्स तो हमारे बॉडी में बॉडी में वो मिनरल्स आ जाते हैं हमारी बॉडी बनती है देन हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या हरबी की बॉडी कॉर्नोर्स की बॉडी वो डिकम्पोज हो जाती हैं तो लेटर ऑन ये मिनरल्स फिर से एनवामेंट में या सॉयल में वापस चले जाते हैं तो दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स तो इसमें भी कैटेगरीज है जैसे कि एटमोसफियर uh, है लिथॉसफियर एंड एंड हाइड्रॉसफियर अगर हम एटमोसफियर की बात करें <coughs> तो ये एक एयर एनवॉलप एयर एनवॉलप है जो कि एक्सटेंड करता है अपटू फाइव हंड्रेड किलोमीटर फ्राम द सर्फेस ऑफ अर्थ जिसमें हमारे पास डिफरेंट गैसेस है जैसे मेजर गैस है नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है एंड वन परसेंट अदर गैसेस होते हैं उसके अलावा वाटर वेपर एक वेरेबल गैस है जो वेरी uh, करता है फ्रॉम वन टू फोर परसेंट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर हम टेबल और फॉर्म में देखेंगे ट्रोपोस्फेयर की जो ऑल्टीट्यूड है 18 किलोमीटर दैन स्टेटास्फेयर 18 टू 50 किलोमीटर 50 टू 85 हमारा मीजोसफेयर है एंड 85 टू 500 हंड्रेड किलोमीटर्स के दायरे में हमारा थर्मोसफियर आता है तो इसके टम्परेचर्स भी वेरी करते हैं अगर हम सरफेस टेम्परेचर ऑफ़ अर्थ देखेंगे 15 और एन एवरेज इज़ फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस और जबकि हम अगर हम एटीन डिग्री एटीन किलोमीटर की हाइट पे चले जाएंगे तो टेम्परेचर डिप हो जाता है टू माइनस फिफ्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस तो ये मेजर गैसेज अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन है वाटर वेपर है कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है तो वैसे ही हमारे स्ट्रेटोस्फीयर का जो तो टेम्परेचर तो है वेरी करता है फ्रॉम माइनस फिफ्टी सिक्स टू माइनस टू तो अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्रॉम माइनस फिफ्टी सिक्स टू माइनस टू बिकॉज ऑफ ओजोन जो की अल्ट्रावाइल रेडिएशन सी को एब्जॉर्ब करता है एंड देन हमारे पास मीजोस्फेयर है टेम्परेचर फिर से डिप होता है टू माइनस एंड टू एंड लिट्रॉन टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो ये एक टेबल ऑफ फॉर्म है कि स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर में अगर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे कि पहले टेम्परेचर्स जो है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ हो जाते हैं अप टू 11 टू एटीन डिग्री एटीन किलोमीटर्स और फिर एक स्टैटिक टेम्परेचर रहता है इसको हम थर्मोपॉज बो, ट्रोपोपोज बोलते हैं, तो हमारी जितनी भी वेदर एक्टिविटीज होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है और फिर टेम्परेचर फिर से डिप हो जाता है और यहाँ पे हमें इस लेयर में ओजून भी मिलता है और स्टेटोपोज यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो फिर टेम्परेचर डिप हो जाता है फिर कॉन्स्टेंट रहता है तो ये एक जनरल पैटर्न है जो ही हम ऊपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर्स वेरी करते रहेंगे एट डिफरेंट लेवल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस और अगर हम प्रेशर की बात करेंगे प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है बिकॉज जो कंसनट्रेशन ऑफ द एयर है कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज है वो ड्रेस्टली रिड्यूस हो जाती है और हमारे पास जो कम्पोजिशन ऑफ एयर है जैसे, जैसे कि मैंने अभी बताया सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है Around 21 है, है, 1 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन अब फंक्शन क्या है बेसिक क्वेश्चन है कि एटमोसफेयर की फंक्शन क्या होती है द फर्स्ट फंक्शन इट मेन हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं हवा में फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ये हमारे अर्थ का जो है टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अगर ये गैसेस हवा में प्रेजेंट नहीं होंगे दैन अर्थ का टेम्परेचर माइनस थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस होता और इनके प्रेजेंस में हमारा टेम्परेचर अर्थ का कितना है फाइव डिग्री इसको ग्रीन हाउस टेम्परेचर बोलते हैं तो दिस इज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट गैसेस तो ये हमारी हीट बैलेंस जो है अर्थ की मेंटेन करता है तो ग्लोबल वार्मिंग में यही प्रॉब्लम है कि इन गैसेस की कंसनट्रेशन जब बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स या डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से तो ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्ब होती है विद द रिज़ल्ट हमारा जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर है अभी दो डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो गया ऑन एन एवरेज तो ये एक प्रॉब्लम है उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट गैस कॉन्स्टूंट्स है जो कि लाइफ को सस्टेन करने में मदद करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही जरूरी है फॉर द रेस्प्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है एंड नाइट्रोजन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, न्यूट्रेंट है फॉर द प्लांट ग्रोथ सेकेंड कैटेगरी इज द लिथॉसफियर लिथॉस्फियर बेसिकली सॉइल या रॉक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ जो कि बने हैं सिलिकॉन कैल्शियम पोटेशियम अल्मोनीम जैसे मेटल्स के ऑक्साइड सिलिकेट्स एंड कार्बोनेट्स और जो कि सॉइल का फोर टू सिक्स परसेंट जो है नहीं, जो उसकी सॉइल का तकरीबन फोर्टी फाइव परसेंट जो है कंपोनेंट uh, बनाता है और फोर टू सिक्स परसेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे सेलिलो जैसे ह्यूमस है ह्यूमिक एसिड है ये कंपोनेंट्स होते हैं रेस्ट इज एयर एंड वाटर जो कि वेरिएबल है कहीं पे वाटर ज़्यादा होगा कहीं पे एयर ज़्यादा होगा अब लेथोसफेयर की क्या फंक्शंस है फर्स्ट इज़ इट इज़ होम फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड लाइफ जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं रहते हैं सड़कें बनाते हैं घूमते फिरते हैं तो वो हम जमीन पे ही करते हैं ज़्यादातर तो उसके अलावा हमारे पास जो सॉयल है इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द बायोजियो केमिकल साइकिल्स फॉर एग्जाम्पल कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल सल्फर साइकिल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है uh, क्या बोलते हैं इसको लिथॉस्फियर एंड uh, फिर हमारे पास हाइड्रोसफियर है ये बेसिकली एक एनवलप है वाटर का हमारे पास जितना भी वाटर है अर्थ का उसका 97% परसेंट जो है ओशन्स में पाया जाता है अर्थ के अगर हम चार हिस्से करेंगे तीन हिस्से हमारे पास वाटर होंगे उसमें भी 97% परसेंट ऑफ वाटर इज़ इन ओशन्स और 3% परसेंट हमारा फ्रेश वाटर है जो कि ग्लेशियर्स है पोलर आइस में होता है ग्राउंड uh, वाटर में होता है सरफेस वाटर में होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है वो सेपरेट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ कितना पानी अवेलेबल होता है हमारे पास और इसकी फंक्शंस क्या है हाइड्रोसफियर की ये ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारे पास प्रोवाइड करता है एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करता है इरिगेशन के लिए पावर प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल है वाटर तो यहीं से आता है हाइड्रोसफेयर से ही उसके बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट है बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब इस में आ जाते हैं ठीक है थीके? तो हमारे पास इसको सबको मिला के एक टर्म होती है जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम नीचे जाएंगे समुंदर में तो टेन किलोमीटर्स बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ अप टू लोमीटर फ्राम दी लेवल सी लेवल के नीचे दस किलोमीटर और छह किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम देखने को मिलते हैं समंदर की सतह में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एलगीज़ वगैरह और हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स तो होते ही है तो यही हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमासफियर के साथ तो इन इसकी क्या फंक्शंस है प्लांट टू एनिमल बायोमास बायोमासशन होती रहती है चाहे मिनरल्स so हो ऑर्गेनिक मैटर हो इंट्रैक्शन होती रहती है एक फूड चेन की तरह उसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये जो ये दोनों कंपोनेंट्स बायोटिक एंड एबायोटिक को चलाने के लिए होता है एनर्जी कंपोनेंट तो विदाउट एनर्जी कोई चीज़ नहीं चलेगी तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास सोलर एनर्जी है जैसे हमारे प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके बाद ही हमारे पास बायोमास प्रोड्यूस होता है और फोटो से ही हमारे पास मिनरल्स और प्लांट्स में आ जाते हैं वाटर आ है एंड देन वही जो है फूड चेन के ज़रिए फ्राम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल चला जाता है तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है दैट इज़ सोलर एनर्जी जिसपे बहुत सारी एनर्जीज डिपेंडेंट है सोलर एनर्जी पे विंड एनर्जी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन टाइडल एनर्जी तो वैसे इस पर डिपेंडेंट नहीं होती है uh, उसके अलावा हमारे पास एनर्जी uh, सब सोलर एनर्जी का ही जो है कंपोनेंट्स होते हैं उसके अलावा हमारे पास इंडिपेंडेंट एनर्जीज भी होती है फ्रॉम द सन सोलर एनर्जी जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है तो ये हमारे पास था व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग